चलिए आज बनाते हैं कोकोनट बेसन के लड्डू, जो बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले ली है मैंने, उसमें आधा कप घी डाल दिया है, फिर उसमें 3 कप बेसन डाल दिया है। अभी इसे अच्छे से भून लेना है। घी हमें और ऐड करना है, पर मैं 1-1 चम्मच डालूँगी जैसे मुझे ज़रूरत लगेगी। अब मैंने थोड़ा सा पानी छिड़क दिया है इसमें, थोड़ा सा 2 चम्मच, फिर अच्छे से मिक्स करना है, भून लेना है। फिर 3 कप शक्कर ले लिए, फिर उसे अच्छे से पीस लिया है पाउडर कर लिया। फिर 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम ले लिए, उसे भी अच्छे से पाउडर कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। अभी हमें इस बेसन को अच्छे से भुनने देना है इसका कलर चेंज होने तक, इसमें की जो स्मेल है कच्ची कच्ची वो नहीं आए तब तक हमें भुनना है। ये देखिए यह अभी हो चुका है, हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें काजू बादाम का पाउडर डाल देंगे, डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच, और एक छोटा पैकेट आता है मिल्क पाउडर का, वो उसमें 18 ग्राम रहता है, उतना मैंने डाल दिया है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। शुगर पाउडर भी डाल देनी है हमें, 3 कप शुगर पाउडर ली थी पर उतनी नहीं लगने वाली, मैंने आधी डाल दी है जितनी मुझे चाहिए थी, अगर लगेगी तो मैं और डालूँगी, पर मुझे 2 कप ही बस हो गई थी। अच्छे से कर लेना मिक्स, फिर इसे ऐसे ही छोड़ देना 5 मिनट। फिर जब ये लड्डू बनाने के पोजीशन में आ जाएगा तब हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। ये अभी बहुत पतला है, फिर थोड़ा रुकने के बाद फिर ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। फिर अब हम इसके बनाएंगे लड्डू, और ये देखिए मीडियम साइज़ के मैंने लड्डू तैयार किए हैं। ये मेरे बेबी को बहुत ही पसंद आते हैं लड्डू, तो मैं उसके लिए सोच रही थी क्या बनाऊँ कैसे बनाऊँ हेल्दी, तो मैंने ये बनाया हेल्दी, एकदम नए हैं ये। डेसिकेटेड कोकोनट डालने की वजह से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, आप सभी खा सकते हैं, बड़े बच्चे सभी खा सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिए रेसिपी, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खाओ पियो मज़े करो।